मैं इम्तियाज अहमद YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये सीरीज फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट पर आधारित है, जहां मैं डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को वन बाय वन करके सब्जेक्ट बना रहा हूं। मैंने बताया है कि हमारे 8 तरह के ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। पहला एलिमेंट होता है नाउन। नाउन के अंतर्गत आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके पहले प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल नाउन को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं। आज के इस पीरियड में हम लोग सीखेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और इसके प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि वह नाउन होता है जिसका एक इमेज होता है, फिगर होता है, या जिसको ईश्वर ने बनाया होता है, जिसको गॉड ने बनाया, जो क्रिएशन ऑफ गॉड है वह नाउन होता है, या जिसको हम देख सकें या फील कर सकें वह नाउन होता है। मैंने पहले भी बताया है। तो बात करते हैं इमेज की, मामला होगा नाउन का। हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जिसका एक इमेज होता है वह नाउन होता है, लेकिन जब बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आती है तो फिर हमारा मामला उलझता है। इसलिए उलझता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है, एक ऐसा नाम है जो स्ट्रक्चरलेस है, इमेजलेस है, इसका कोई फिगर नहीं है, कोई बनावट नहीं है, ना इसका कोई रंग होता है, ना कोई रूप होता है, तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो मामला थोड़ा सा उलझता है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके से आपको समझा दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सके, छू नहीं सके, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकें, है ना, जिसको हम एहसास कर लें। एहसास वाली जो एलिमेंट है वही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहने के लिए कहना होगा द नेम ऑफ फीलिंग स्टेट और क्वालिटी। यानी कि अगर कोई नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके अंदर क्या होगा, तो वह एक फीलिंग का नाम होगा, अनुभूति का, एहसास का नाम होगा, या फिर किसी एक वस्तु की या एक ऐसी रचना की स्टेट शो करेगा, अवस्था शो करेगा, या किसी एक वस्तु की या व्यक्ति की क्वालिटी बताएगा। मतलब एक ऐसा नाउन जो हमारी फीलिंग को या फिर अवस्था को, स्टेट को, या फिर क्वालिटी को दर्शाता हो वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो, मैं एक वर्ड लेता हूं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। अब आप ऑनेस्टी शब्द को ध्यान से देखिए, क्या इसका कोई इमेज है? हां, इमेज है, लेकिन स्पष्ट इमेज नहीं है। मैं इसको प्रूफ करके आपको बताऊंगा।
आपको देखने से लग रहा है कि ऑनेस्टी का कोई एक इमेज नहीं है, कोई फिगर नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऑनेस्टी के अंदर क्या होता है, क्या कोई एक व्यक्ति किसी का पर्स चुरा करके उसके पैसे अपने पास रख लेता है? नहीं ना, नहीं। बल्कि ऑनेस्टी अगर है तो इसमें क्या हुआ होगा कि किसी व्यक्ति को मिला हुआ पर्स है ना, अगर किसी व्यक्ति को कोई एक पर्स मिलता है और उसको पता है कि ये पर्स फला का है, अगर उसके अंदर ईमानदारी की क्वालिटी है तो वह व्यक्ति उस पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा देता है कि नहीं? तो बताओ इसका एक स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? जैसे ही मैंने कहा ऑनेस्टी, जहन में एक फिगर बना कि इसमें ऐसी प्रक्रिया होती है। अब अगर मान लो मैं कहूं, एक और मैं नाम ले लेता हूं, फ्रीडम, आजादी। अब बताइए एक इमेज बनता है कि नहीं बनता है? फ्रीडम का मतलब आपको वे सारे कानूनन अधिकार प्राप्त हैं जो कानून ने आपको दिए हैं, आप बहुत तरह के मामलों में फ्री हैं। तो मेरा समझाना है कि फ्रीडम का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, लेकिन इमेज तो है। मैंने कहा भी है, बार बार कहता हूं कि जिसका एक इमेज हो नाउन होता है। तो बताओ ऑनेस्टी का इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। फ्रीडम का भी इमेज बन रहा है। तो जिसका एक इमेज हो वह नाउन होता है। कम शब्दों में कहना होगा, अब रही बात कि ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, लेकिन एहसास तो कर सकते हैं ना। तो जिस नाउन को देखा या छुआ ना जाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाए, एहसास किया जाए, वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसलिए मैंने कह डाला है द नेम ऑफ फीलिंग स्टेट और क्वालिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब भावना, क्वालिटी है ना, और अनुभूति की, अनुभूति का जो एक इमेज बनता है उसका नाम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर? आगे भी है। इसके लिए और भी एक दो एग्जांपल आप देखो, जैसे लव। अब बताइए लव को आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, सिर्फ एहसास कर सकते हो। काइंडनेस, आप इसको महसूस कर सकते हो। ब्रेवरी, बहादुरी, हम इसको एहसास कर सकते हैं। हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, हेट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाम मिल जाएंगे। तो मैंने अब तक समझाया कि जिस नाम को हम देख नहीं सके, छू नहीं सके, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सके, वह हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लो, ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस, ब्रेवरी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, हेट, नफरत, घृणा वगैरह वगैरह। अब आओ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नंबर की बात करते हैं, इसका यूज देखते हैं। आओ देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर और उसका यूज। जहां तक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रश्न है, अगर इसके मामले में मैं नंबर की बात करूं तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी डिवाइडेड नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा था ऑनेस्टी, तो अगर ये एक नाउन है तो क्या आप या कोई इसको डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है, बट ही नहीं सकता। इसलिए नहीं बढ़ सकता कि इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर होता तब ना हम बांटते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो एक ईमानदारी, दो ईमानदारी, चार ईमानदारी कभी बनेगी? नहीं बनेगी। इसका मतलब कि इसमें नंबर नहीं आएगा, ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा,
एक दो चार छह दस बीस नहीं बनेगा, यानी कि एलवेज ये क्या होगा, ऑनेस्टी होगा। अगर बटा नहीं तो कितना हुआ, मान के चलो कि सिंगल हुआ, अगर सिंगल हुआ तो फिर ये हमारा सिंगुलर नाउन हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एलवेज सिंगुलर नाउन होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अब रही बात, मैं एक चीज आपको अलर्ट कर दूं कि जब कभी भी नाउन की बात आ जाए, नाउन की, तो आप आर्टिकल के प्रयोग के बारे में बिल्कुल सतर्क हो जाए, ए एन और द, ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी नाउन की बारी आ जाए तो आप आर्टिकल के बारे में बिल्कुल सावधान हो जाएं, इसलिए कि आर्टिकल जो बनी है वह ओनली फॉर नाउन्स बनी है, केवल और केवल नाउन के साथ उसका यूज होता है, ठीक है। मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एलवेज इन सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं करना है। अब रही बात आर्टिकल दी की, तो आपको पता है कि दी जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल, इसका फंक्शन क्या है, नाउन चाहे कोई भी हो, प्रॉपर हो, कॉमन हो, कॉलेक्टिव हो, मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, कंटेबल हो, अनकंटेबल हो, इससे लेना देना नहीं। अगर कहीं किसी एक नाउन को डिफिनिट किया गया है, श्योर किया गया है ना, या पार्टिकुलर किया गया है, तो उसके साथ दी का प्रयोग किया जाता है। बस दी का यही फंक्शन है कि दी जिस नाउन के साथ लगती है उसको डिफिनिट बना देती है, उसको श्योर कर देती है। तो अगर कहीं कोई एक नाउन हमें मिलता है तो हमें देखना चाहिए कि क्या ये नाउन डिफिनिट है या फिर नहीं है। अगर डिफिनिट है और बिना दी का वो डिफिनिट नहीं हो रही है तो उसके साथ दी का प्रयोग होता है। लेकिन आप नॉर्मल तौर पे ऐसे मान के चलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नॉर्मल कंडीशन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बनाया गया है, पार्टिकुलराइज किया गया उसको, तो उसके साथ दी का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। अब आओ मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सब्जेक्ट बना लेता हूं। जैसे पहला एग्जांपल मैं रख रहा हूं कि पीस, पीस, पी ई ए सी होता है, पीस माने शांति। एक और भी पीस मिलता है आपको, पी आई ई सी, पीस माने टुकड़ा, तो ये वाला आप छोड़ देंगे, पीस का मतलब शांति। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नंबर इसका सिंगुलर है, इसका मतलब कि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। पीस ब्रिंग्स, शांति लाती है, क्या लाती है, सक्सेस। बड़े खूबसूरत वाक्य है, पीस ब्रिंग्स सक्सेस, शांति जो है सफलता लाती है। अब पीस के साथ किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने V5 यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, ठीक है। और भी एक एग्जांपल देखो आप, जैसे बड़ी बड़ी फेमस वो सेंटेंस होता है, अक्सर हम लोग बोलते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि हम कैसे जाने कि ये दिया हुआ नाउन एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट अगर कुछ बनता है तो वो नाउन होता है, नाउन के सिवा कुछ भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो ब्रिंग्स क्रिया का सब्जेक्ट है पीस, इसका मतलब कि ये नाउन है। अगर नाउन है तो आप देखो कि क्या इसका स्ट्रक्चर है क्लियर स्ट्रक्चर नहीं, या क्या आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, नहीं देख सकते, यानी ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसा ही यहां है सक्सेस, सफलता।
अब सफलता का तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं कि हम देख सकेंगे या छू सकेंगे। सफलता को हम केवल और केवल महसूस कर सकेंगे, यानी कि सक्सेस भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाम है। इस सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति को देख सकते हो, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो ऑनेस्टी की क्वालिटी छुपी है आप उसको देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, यानी कि ऑनेस्टी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके आगे बढ़िए, द बेस्ट पॉलिसी, क्या पॉलिसी ये भी एक नाउन है ना, क्या आप इसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यानी कि पॉलिसी भी आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमें यही करना है कि हम उस नाउन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, है ना, इस तरह से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहीं से ढूंढ लेंगे। अब रही बात इसके साथ डी के यूज की, तो मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नॉर्मल कंडीशन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हमने पॉजेसिव केस ऑफ के मदद से बनाया है तो उसके साथ डी का प्रयोग हो सकता है। जैसे द पीस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की शांति, द पीस ऑफ आवर कंट्री, सॉरी द पीस ऑफ आवर कंट्री इज इन डेंजर, हमारे देश की शांति जो है खतरे में है, किसमें है, खतरे में है। अब देखो आप इस सेंटेंस में इज जो है आपका मेन वर्ब है जिसका सब्जेक्ट ये पॉजेसिव केस है, नन एलिव का पॉजेसिव केस हम ऑफ से बनाते हैं, जिसकी कंबिनेशन कैसे होती है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन ऑफ आप प्लस यहां नाउन, ठीक है। अब इसके साथ डी का प्रयोग होता है, आर्टिकल के चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ऑफ से बनने वाले पॉजेसिव केस के साथ डी का प्रयोग अवश्य होता है। तो यहां जो डी आया है वो पॉजेसिव केस की वजह से आया है, न कि पीस की वजह से आया है, पीस जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसकी वजह से डी का प्रयोग नहीं हुआ, डी का प्रयोग किसकी वजह से हुआ है, तो पॉजेसिव केस की वजह से हुआ है। ऐसा ही एक कंडीशन है जहां हम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ डी का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, अगर कहीं इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, स्पष्ट राय दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की भरसक प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और अंग्रेजी मेरे साथ सीखते जाइए। फिर मिलता हूं मैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट सीरीज के अंतर्गत एक और सब्जेक्ट को बनाने के लिए अगली पीरियड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।